नमस्कार, हमारे उजाला डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। एक बार फिर से हाजिर हैं हम उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देश में कोरोना का जो मामला है, कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें अपडेट क्या है। साथ ही अमेरिका में जो हिंसा भड़की है, अश्वेत व्यक्ति की मौत को लेकर, उसे लेकर फिलहाल क्या स्थिति है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए एक एक करके डालते हैं आज की उन बड़ी खबरों पर एक नज़र। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, ये पूरी खबर देखिए है क्या। मरकज में आए विदेशी जमातियों के भारत आने पर आजीवन प्रतिबंध लग चुका है। 7 के खिलाफ भी जांच तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने ये बड़ी कार्रवाई की है और जल्द ही मौलाना साद के खिलाफ भी बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बताया जा रहा है कि मौलाना साद अभी भी जामिया नगर में परिवार के साथ रह रहा है। तो एक बड़ी खबर, निजामुद्दीन स्थित तबलीगी मरकज में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए सभी विदेशियों पर भारत में प्रवेश करने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है और दिल्ली पुलिस की सिफारिश पर ये पूरी कार्रवाई की है गृह मंत्रालय ने। अगली बड़ी खबर, न्याय और रक्षा के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय में भी कोरोना की सेंध, 5 लोगों के एक जगह एकत्र होने पर प्रतिबंध। दरअसल कुछ नए मामले सामने आए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रसार केंद्र सरकार के अहम मंत्रालयों तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इन सभी जगहों पर कोरोना की दस्तक हो चुकी है और एक परिपत्र जारी किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। 5 लोगों के एक जगह एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें करने के लिए कहा गया है ताकि कोरोना पर रोक लग सके। अगली बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच LAC पर लगातार तनाव जारी है और इस तनाव को खत्म करने के लिए 6 जून को भारत और चीन के जनरल की एक मीटिंग होने वाली है। इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सैन्य वार्ता का नया दौर शुरू होने वाला है। 6 जून को पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की इस बातचीत में दोनों देश चर्चा के लिए विशेष प्रस्ताव रख सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी ये जो LAC है, इस पर तनाव थोड़ा सा कम होने की बात कही जा रही है, लेकिन 6 जून को पता चलेगा कि इस पूरी वार्ता का नतीजा निकल कर क्या आता है। अगली बड़ी खबर, क्रिकेटर ऋषभ पंत की मां और बहन पर एक युवक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रुड़की के रेस्टोरेंट में वो शेफ रह चुका है। युवक ने वेतन नहीं देने और धमकाने का आरोप लगाकर इनकी शिकायत अल्पसंख्यक आयोग देहरादून और SSP हरिद्वार से की है। ये एक बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका का हाल कितना बुरा है, ये हर रोज़ आप खबरों में पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। अब अमेरिका के 28 राज्यों में बेहद अशांति है। 10,000 गिरफ्तार किए जा चुके हैं और लगातार 8वें दिन भी यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। मिनेपोलिस शहर की पुलिस की हिरासत में अफ्रीकी मूल के अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ अमेरिका में शुरू हुआ प्रदर्शन लगातार जारी है, प्रदर्शन जारी है और ये हिंसक प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत इस हिंसा ने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना लगाने के बयान पर व्हाइट हाउस ने बुधवार को नरम रुख अपनाया है। जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि सेना लगा दी जाएगी सड़कों पर, अब उन्हें कंट्रोल करने के लिए, ये एक बड़ी खबर। तो ये हैं वो तमाम खबरें जो जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से अमर उजाला आपसे अपील कर रहा है कि आप अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना जो है